स्वागत है आप प्यारी प्यारी महिलाओं का YouTube सहेली चैनल के विशेष एपिसोड संडे एपिसोड में। आज मैंने कोशिश की कि बहुत सारी महिलाओं के समस्याओं को जवाब दे सकूं। तो पूरे वीडियो को देखें, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को चुटकियों से हल किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे पिछले एपिसोड्स भी देखें। 800 से ज़्यादा वीडियोस हैं आपकी सभी समस्याओं पर जो कि इनफर्टिलिटी और महिला स्वास्थ्य पर हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो सबसे पहले चैनल पर वीडियोस को सर्च करें। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक दी हैं जो कि ज़रूरी हैं, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। आज का पहला सवाल है आरती जी का, जिनके बच्चे में डिफेक्ट था और ये जो डिफेक्ट ये मेंशन कर रही हैं, इसका कारण है कि प्रेगनेंसी में या उससे पहले आपने प्रीनेटल विटामिंस का सेवन नहीं किया, आपके शरीर में फॉलिक एसिड की कमी थी और इस वजह से बच्चे में डिफेक्ट आया। तो अगर आगे जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो ऐसे में आप विटामिन्स का सेवन ज़रूर करें, खासतौर से फॉलिक एसिड का सेवन करें, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी होगी। नेक्स्ट हैं आंचल जी। आंचल जी कह रही हैं कि उनको एग नहीं बनते हैं। तो एग अगर नहीं बनते हैं तो साइंस, न्यूट्रिशन साइंस ही कहती है कि सौंफ, जो मोटी सौंफ आती है उसका ड्रिंक आप सुबह खाली पेट पिए, उससे आपके एस्ट्रोजन इंप्रूव होगा, मासिक चक्र भी नियमित होगा और एग प्रोडक्शन भी नियमित होने लगेगा। लेकिन अगर आपने जांचें नहीं करवाई है तो डॉक्टर से जांचें ज़रूर करवाएं। तीसरा सवाल है रुखसार जी का। इन्होंने कहा मैंने पीसीओडी के लिए बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराए हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं मिला। तो ऐसे में हमारे ट्रीटमेंट बहुत आसान होते हैं, खान पान से रिलेटेड होते हैं जो कि हम रूटीन में खाते हैं। आपको महंगी कोई चीज़ नहीं खानी है, आपको मिलेट्स खाना है, अनाज कम खाने हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, बाहर का सामान जो कि तला बुना होता है, कुकीज़ वगैरह, बिस्किट वगैरह नहीं खाने हैं, मीठा कम खाना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, इससे कि पीसीओडी में सुधार हो जाएगा। राम श्लोक जी का सवाल है, शायद उन्होंने अपनी पत्नी के लिए पूछा है कि सिस्ट है दोनों ओवरीज में। तो सिस्ट बनना स्वाभाविक प्रक्रिया, यानी कि जो एक नॉर्मल साइकिल होती है उसका अंग है। तो सिस्ट अगर ख़त्म नहीं हो रही तो इसके लिए थोड़ा अखरोट, बादाम, एलमंड्स जिसको कहते हैं, इसको रात को भिगोएं और सुबह खाली पेट खाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, तनाव मुक्त रहें, अपने खान पान में फल सब्जी का समावेश ज़्यादा करें, वजन पे नियंत्रण रखें। इन चीज़ों से धीरे धीरे करके हार्मोन बैलेंस होते हैं और सिस्ट खत्म हो जाती है। निशु जी का मैसेज है कि इनको 3 साल में 3 बार मिसकैरेज हुआ है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और शॉकिंग है ये हमारे लिए भी। तो आपके लिए आयुर्वेद की बहुत अनोखी, बहुत ही आजमाई हुई रेमेडी है शिवलिंगियन पुत्र जी, वो यूट्रस को मजबूत करती है और प्रेगनेंसी के लिए फिजिबल एनवायरमेंट प्रिपेयर करता है। तो शिवलिंगी और पुत्र जी का डिटेल वीडियो देखें, उसको फॉलो करें, बहुत सारी महिलाओं को लाभ हुआ है और आपको भी जरूर होगा। अगला सवाल हमारे व्यूअर का है, इनको एडेनोमायोसिस की प्रॉब्लम है। एडेनोमायोसिस के अंदर आपको फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है, इसके अलावा ताजे फलों का रस, यानी कि जो घर में फ्रेश आप बना सकते हैं उनका सेवन ज़्यादा करें, स्पेसिफिक ऑयल है जिसकी मसाज करनी चाहिए, फर्टिलिटी मसाज, जिससे इन्फ्लामेशन काफ़ी कम होता है। तो आप मेरा इस पर डिटेल्ड वीडियो देखिए ताकि आपको सारी रेमेडी अच्छे से समझ में आए और डेफिनेटली उसके नतीजे आएंगे। रोशन जी का मैसेज है कि इनको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे, प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है, सो क्या करें। अगर आपको मल्टीपल फाइब्रॉइड हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट कैसी है। आपकी डाइट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो लीवर के लिए भारी हो, पचने में भारी पड़ती हो। सरल खाना खाएं, ब्रोकली का सेवन ज़्यादा करें, पानी बहुत अच्छे से पिएं, ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि अखरोट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इनमें से कुछ का सेवन करें, नियमित एक्सरसाइज करें, डाइजेशन बिगड़ना नहीं चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं आना चाहिए। आप डाइजेशन के लिए उस सारे उपाय जो हमने बताए हैं उनको फॉलो करें, डेफिनेटली ठीक होगा। आशा करती हूँ कि बहुत सारे महिलाओं को इनसे रास्ता मिला, उनको समझ में आया है कि कैसे अप्रोच करना। लेकिन जब तक आप हमारे रेमेडीज़ के डिटेल्ड वीडियोस नहीं देखेंगे, आप उनको फॉलो करने में हिचकिचाएंगे, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो हमारे डिटेल वीडियोज़ को देखें, वो फुल प्रूफ रेमेडी है और उनसे बहुतों को लाभ हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।